अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मस्ती माय वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ 5-in-1 हॉट एयर स्टाइलर। तो फ्रेंड्स, ये स्टाइलर मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करने जैसा है। टाइसन की कॉपी है, बट रिज़ल्ट अच्छे होना चाहिए ना। रिज़ल्ट अपने को मिल रहा है तो फिर तो वाह वाह वाह। तो सो फ्रेंड्स, ये हेयर ड्रायर है, ब्लोअर है, हेयर स्ट्रेट ब्रश से कर्ल्स करने के लिए राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड के टूल्स दिए हुए गए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। सब कुछ अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा है। तो अगर आपको भी पसंद आए अगर मेरे वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना। फ्रेंड्स, हेयर ड्रायर का मेन टूल है और इसमें 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पे आपको कूल मिलेगा, सेकंड पे मीडियम एंड थर्ड पे वार्म आता है। उस तरह से अपने सेट कर सकते हैं अपने हेयर्स के लिए। और ये पुश बटन है, यहाँ से आप अपने टूल्स को फिक्स करने के लिए ये पुश बटन का यूज़ करना है। और वो आगे वीडियो में देखिए, कंटिन्यू। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मम्मा की ये तुरंत वॉश के बाद के बाल है और अभी से हेयर ड्रायर का टूल है वो हम फिक्स कर देंगे और मम्मा के बाल को 50% ड्राई करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है हेयर ड्रायर, बहुत अच्छे से वर्क करता है और अच्छे से मम्मा के बाल भी ड्राई हो गए थे। तो देखिए वीडियो में आप। फ्रेंड्स, अपने अपने हिसाब से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो और फिर मैं ये टूल का पुश बटन को प्रेस करके हेयर ड्रायर का जो टूल है उसे निकाल लूँगी। और अब मैं इस्तेमाल करूँगी स्ट्रेट ब्रश का और ये मैं टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करके मम्मा के बालों को स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगी। वैसे इसमें स्ट्रेट पूरी तरह से नहीं होते, जो स्ट्रेटनर वाला रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर आपके बाल स्ट्रेट ऑलरेडी है तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा प्योर स्ट्रेट का। जैसे मेरी मम्मा के बाल स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट ही दिखेंगे। अगर आपके बाल थोड़े कर्ल्स में हैं या पूरे कर्ल्स में, तो आपको थोड़ा कम रिज़ल्ट मिलेगा, बट नेचुरल फिनिश लुक देगा और अच्छा लगता है। जैसे जो स्मूथ सिल्की बालों का नेचुरली लुक होता है वो मिलता है। और मम्मा के बाल तो ऑलरेडी स्ट्रेट है और सिल्की है, तो उस वजह से मम्मा के बाल और स्ट्रेट हो गए तो और बढ़िया लग रहे थे। तो आप देखिए। और फ्रेंड्स, मुझे ये हेयर ब्रश स्ट्रेटनर की खासियत ये लगी कि आपको इसे यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप अपने हेयर में कॉम करते हो उस तरह से आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत इजी वर्क लगा कि आपको कहीं जाना और फटाफट स्ट्रेट करना हो तो फटाफट से हो जाते हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इसकी हेयर ब्रश की। सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये। फ्रेंड्स, ये टूल्स है वो आप हेयर ड्रायर से जो कर्ल्स करते हो उस तरह का कर्ल्स देगा। बट ये अगर आपके छोटे हेयर है तो उसके लिए अच्छा है, हमारे बड़े हेयर है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये कर्ल्स है के टूल से लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के अलग है। तो मैं आपको दोनों साइड के टूल्स यूज़ करके बताऊँगी। और देखिए आप इसका लास्ट लुक, और बहुत बढ़िया हुए थे एकदम। जो आप स्ट्रेटनर से करते हो या तो कर्ल्स से करते हो, ऐसे लुक आया था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत स्पीड में हुआ था, जो आप स्ट्रेटनर से करते हो तो कितना टाइम लगता है और आपको कभी कभी तो गरम गरम भी लग जाता है, बट ये बहुत अच्छे से हुआ था। अगर आपके बाल सिल्की है तो आप इसके बाद हेयर स्प्रे डाल लेना तो आपके बाल ऐसे ही रहेंगे। और कर्ल्स जिसके बाल है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे तो, एकदम कर्ल्स भी मम्मी के अच्छे से हुए थे। सो देखिए लास्ट तक वीडियो के, बने रहिए।
सो फ्रेंड्स, ये कलर की खासियत ये है कि अपने हिसाब से हेयर ले लेता है आपके। और मैं अब दूसरी साइड का भी जो कलर है वो यूज़ करके बताऊंगी। जो फर्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने जो वो कर्ल्स किया तो उसमें थोड़ा वेव इतनी कंप्लीट नहीं बनी, बट अगर आपकी थोड़ी हैबिट हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और जो प्रोफेशनली होते हैं कर्ल्स, उस तरह से आपके बाल कर्ल्स हो जाएंगे। और मेरा फर्स्ट थोड़ा बिगड़ा और उसके बाद से एकदम बढ़िया से होने लगे। और अपने हिसाब से आप कर सकते हो, आप खुद की बाल खुद कर्ल्स कर सकते हो, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपके बाल बड़े हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है कर्ल्स करने में, एंड दैट अगर टाइम के साथ साथ आपको किसी और की भी ज़रूरत पड़ती, पर इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बालों को खुद कर पाओगे और फटाफट कर पाओगे। इसमें स्ट्रेट करना भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और कर्ल्स करना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कर्ल्स करना बहुत शौक है। क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट है तो मुझे स्ट्रेट में इतना यूज़ नहीं करती हूँ स्ट्रेटनर, बट कर्ल्स का मैं बहुत करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। एंड देखिए, ये अपने हिसाब से आपके बालों को ले लेगा। और फिर आपने इसे इस तरह से ऊपर नीचे करना है से आपके बाल और अच्छे से कर्ल्स हो। तो देखिए, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा जो कर्ल्स का। और देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और फटाफट से हो गए हम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और अच्छे से हो गए। और बहुत इजी है अगर आपको इसको यूज़ करना, मुझे तो बहुत इजी लगा। हेयर ड्रायर भी इजी यूज़ करना है, कर्ल्स का भी यूज़ करना इजी, एंड स्ट्रेट ब्रश है वो भी बहुत इजी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं इसकी लिंक जो है अमेज़ॉन की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना एंड देखिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑफ करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज़।